आऊंगा, लेकिन उसके पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। बेझिझक सवाल पूछिए। क्या आपका स्कूल सेंटर फ्रूट क्रिकेट चैंपियनशिप में भाग ले रहा है? कल मैंने स्कूल के कुछ बच्चों को क्रिकेट खेलते हुए देखा और वो काफी अच्छा खेल रहे थे। मेरा यकीन है कि अगर उनको थोड़ा सिखाया जाए तो वो चैंपियनशिप भी जीत सकते हैं। ओह, पर मैं मानता हूँ कि ये सब व्यर्थ है बच्चों के लिए और उनके भविष्य के लिए। क्या मैं इसकी वजह जान सकता हूँ? देखिए मिस्टर सिंह, हमारा स्कूल हमेशा पढ़ाई लिखाई के लिए जाना गया है और मैं नहीं चाहता कि बच्चे किसी बेफिजूल चीज के पीछे अपना रिजल्ट खराब करें। और हाँ, खास करके क्रिकेट जैसी किसी बेहुदा खेल के पीछे तो हरगिज नहीं। मुझे माफ कीजिए, पर मैं सहमत नहीं हूँ। क्रिकेट जैसा खेल बच्चों को तंदुरुस्त रखने के अलावा उनको एक साथ एक टीम का हिस्सा बनकर खेलना भी सिखाता है। मैं शायद आपके उसूलों पर ना चल पाऊँ। एक अच्छा क्रिकेट कोच होने के नाते मैं आपका यह ऑफर स्वीकार नहीं कर सकता। मुझे माफ कीजिए, मैंने बेवजह ही आपका और मेरा दोनों का वक्त जाया किया। तो ठीक है, मैं आपसे इजाजत लेना चाहूँगा। गुड बाय सर। ओहो, ऐसा नहीं है, सुनिए मेरी बात, मेरा वो मतलब नहीं था। नहीं नहीं मिस्टर सिंह, शायद मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया। अगर आपको ये लगता है कि क्रिकेट में ही बच्चों की भलाई है तो फिर मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, तो फिर हम कल मिलते हैं। आज कोई खास बात है क्या? नहीं बता, हमें बाहर क्यों छोड़ा जा रहा है? सब बात तुमने टिफिन में क्या लाया? शूज देखो। वाह, ये कौन है? सारे बच्चे इकट्ठे होकर यहाँ मेरे सामने आ जाओ। मेरा नाम है एसपी सिंह और मैं तुम्हारा नया कोच हूँ। मुझे यहाँ पर तुम लोगों को क्रिकेट सिखाने के लिए बुलाया गया है। क्रिकेट सिखाने के लिए? तुम्हारा नाम क्या है बच्चे? मेरा नाम सचिन है सर। सचिन, अच्छा है। जाओ सचिन, वो बैग लेकर आओ। आज से हम ऐसा क्रिकेट खेलेंगे जैसा खेला जाना चाहिए। इसके दादाजी की कबाड़ी की दुकान है। कहाँ से लाया ये बैट? अपने दादाजी से। क्या हो गया है तुम लोगों को? इस तरह कोई क्रिकेट खेलता है क्या? बताओ मुझे, तुम सबका ध्यान कहाँ पर था? सचिन, इरफान, मैं तुम दोनों से एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। चलो मेरे साथ। क्या हमसे कोई गलती हुई सर? कोई गलती नहीं हुई तुम दोनों से। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आज खेलते वक्त तुम दोनों को हो क्या गया था? कोई परेशानी तो नहीं? पता नहीं सर, पर मुझे, हमें क्रिकेट खेलना पसंद है, पर शायद हम उतने अच्छे नहीं है। ऐसा नहीं है, तुम खराब खेले क्योंकि तुम्हारा ध्यान कहीं और था। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम खेलते वक्त सेंट जॉन के उन बदतमीज बच्चों के बारे में ही सोच रहे थे। पर एक बात याद रखना, वो रुतबा रखो जो एक खिलाड़ी में होना चाहिए। अपने आप पर विश्वास रखो और वो ट्रॉफी तुम्हारी होगी। क्या बात है सर, आप ये सब कैसे जानते हैं? हे, मैं तुम्हारा कोच हूँ और मुझसे कुछ छिपता नहीं। ऐसा नहीं है सर, हम वो मैच हारे क्योंकि हमारे पास क्रिकेट किट्स नहीं थे। अब आप ही बताइए, बिना क्रिकेट किट्स के हम ट्रॉफी कैसे जीत पाएंगे? ठीक है, मैं मानता हूँ कि तुम्हें क्रिकेट किट्स चाहिए, पर किट्स का ना होना तुम्हारे हारने की वजह नहीं है। तो फिर क्या सर? सुनो, वसीम नहीं खेल पाया क्योंकि उसमें आत्मविश्वास नहीं था। और इरफान, जहाँ तक तुम्हारी बात है, तुम इसलिए नहीं खेल पाए क्योंकि तुमने खेल में ध्यान देने के बजाय औरों की बातों पर ध्यान दिया। और सचिन, तुम इसलिए कुछ नहीं कर पाए क्योंकि तुम्हें पिछली कुछ बातें सताती रहीं। इन सब का एक ही मतलब निकलता है बच्चों, कि तुम्हारा ध्यान क्रिकेट में नहीं था और तुम्हारे हारने की वजह तुम खुद थे। वाह सर, आपने सही कहा। हम सेंटर फ्रूट ट्रॉफी जीतना चाहते हैं सर, पर लगता है ऐसा कभी नहीं होगा। ट्रॉफी की चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो। अगर तुम लोग मेरे मुताबिक चलोगे, मन लगा के मेहनत करोगे और साथ में सही ढंग से पढ़ाई लिखाई करोगे, तो मैं तुमसे ये वादा करता हूँ कि वो ट्रॉफी सिर्फ हमारी होगी और हम उन सेंट जॉन के बदमाशों को दिखा देंगे कि असली क्रिकेट कैसे खेला जाता है। ओके? वाह, सच में सर? 100%। तुम बस वैसा ही करो जैसा बताया जाए, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। अरे रुको रुको, कहाँ भाग रहे हो? एक और जरूरी बात बतानी है तुम दोनों को। वो क्या है सर? तुम, इरफान और वसीम सिर्फ तीन लोग हो और टीम बनाने के लिए हमें 11 खिलाड़ी चाहिए, इसलिए बाकी 8 खिलाड़ी ढूंढने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। पर सर, हम सिर्फ तीन ही हैं जिन्हें क्रिकेट खेलना पसंद है,
तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ कुछ ऐसे बच्चे ढूंढने हैं जिनमें कुछ खास हो, जो एक साथ होकर एक टीम की तरह खेल सकें। और रही क्रिकेट सिखाने की बात, तो मैं हूँ ना। आप सही बोले सर, बस एक दिन में सर। तो किसको लिया जा सकता है? जिनमें कुछ खास हो। खास हो या फिर सत्यानाश हो। सुनो, 8 खिलाड़ी तो हम जरूर चुनेंगे, चैंपियनशिप हम जीत के रहेंगे। मेरे पास एक बहुत अच्छी तरकीब है। मैं हूँ सबसे बेहतरीन क्रिकेट खिलाड़ी, क्योंकि मैंने जीतने का सही फार्मूला ढूंढ लिया है। जीतने के लिए आपको हर मैच में 337 रन बनाने पड़ेंगे। उसके लिए आपको 7 रन पर ओवर का एवरेज रखना पड़ेगा। विकेट लेने के लिए आपको 84.3 किलोमीटर पर आर की स्पीड से पश्चिम उत्तर की दिशा में बॉलिंग करनी पड़ेगी। क्यों हूँ ना मैं क्रिकेट में बेहतरीन? हाँ, मुझे खेलना है, मैं भाग सकती हूँ, मैं दौड़ सकती हूँ। उनके प्लेयर्स को इतना मारूंगा कि उनकी हड्डी पसली एक कर दूंगा, उसका गला दबा के स्कूल बैग में भर दूंगा। मैं जादू से अपने क्रिकेट टीम के लिए सामान ला सकता हूँ। देखिए, ये अलग अलग रंग की रुमाल है और ये बन गई बैट। देखो, मैं लेग स्पिनर बन सकती हूँ। हे डूड, क्या ये डांस ऑडिशन नहीं है? ओह नो। मैं भाग सकती हूँ, मैं दौड़ सकती हूँ, मैंने कहा मुझे खेलना है। मैं तुम्हारी टीम के लिए नए से नए कपड़े डिजाइन करूंगा, जैसे कि मैं ये देखो। मुझे कपड़े बनाना बहुत पसंद है, मैं नए नए डिजाइन बनाते रहता हूँ। ये क्या? खिलाड़ी मिल गए। रोहित और मोहित हैं फील्डर। ऑडिशन तो बेकार गई हमारी। हम हार नहीं मानेंगे, हमें दूसरा रास्ता खोजना पड़ेगा। बैट उठाएगा या नहीं? बोलो, बैट उठा, बैट उठा जल्दी। ओहो, एक और खिलाड़ी आया है। बैट उठा, बैट उठा जल्दी कर। यस, चलो इरफान, तुम्हारा सिक्सर कोई आ रहा है। गई मेहनत पानी में। हाँ, पर ऐसा खिलाड़ी क्या काम का? मैं तो मुझसे अपनी ताकत आजमा कर देख लो। क्या तुमसे? बिल्कुल नहीं, भूल जाओ। मैं तुम जैसे घमंडी लड़कों से बात भी नहीं करता हूँ। तो मत कर बात, पर तू बॉलिंग करके तो दिखा। अगर तुझमें नहीं दम है तो बस बॉल यहाँ तक पहुँचा कर दिखा। ऐसी बात है क्या? तू दम लगा के बॉल फेंकना, वरना तेरे दोस्त बुरा मानेंगे। बहुत काम हो गया। ये क्या था? किसकी शामत है ये जो उसने ऐसी गुस्ताखी की? तो शॉट कैसा था? वाह, ये तुमने कहाँ से सीखा? मैंने पहली बार ऐसा शॉट देखा है। हाँ, शॉट काफी अच्छा था। अगर तुम चाहो तो राहुल, हमारी टीम से तुम बैटिंग कर सकते हो। ठीक है, ऐसा समझो मेरा। हमें बैट्समैन मिल गया। हाँ? सुनो,
ये आवाज कहाँ से आ रही है? अरे ये तो चेतन है, पर ये कर क्या रहा है? वाह, तो दोस्तों चेतन होगा हमारा ऑलराउंडर। ओए मैंने तो ये बता करना की है। हाँ तो सुन मुन्ने, जो भी लट्टू से सामने वाली रखी दो बोतलों को गिराएगा वो विनर कहलाएगा, और विनर यानी कि मुझे, लूजर यानी कि तू एक हफ्ते तक अपना टिफिन खिलाएगा। बस इन्नी सी गल, तुझे पता है तो एक दिन फट भी सकता है, थोड़ा कम खाना खाया कर। ओए तू मुझे समझता क्या है? बड़ा ताकतवर शक्तिशाली। ठीक है चलो मैं शुरू करता हूँ। समझ में नहीं आ रहा ये ताकतवर है या बेवकूफ। बेवकूफी की भी हद है। ये कैसे हो सकता है? परे हट, अब तू देख मेरा जलवा। भजी पाजी। हमें लेग स्पिनर मिल गया। ओए होए, क्या तुम सेंटर फ्रूट ट्रॉफी के लिए खेलोगे? सेंटर फ्रूट क्रिकेट चैंपियनशिप? ओए जरूर। ठहर जा चूजे। मैं जीत चुका हूँ मोटे, पर तू टेंशन ना ले, मुझे नहीं चाहिए तेरा टिफिन विफिन। तूने फिर से मुझे मोटा बोला, तुझे तो मैं कच्चा चबा जाऊं। दोस्तों बाकी सब तो ठीक है, पर हमें और अच्छे बैट्समैन चाहिए। हाँ सच में सचिन ठीक कह रहा है। ए ये क्या है? वसीम तुम ठीक तो हो? वाह स्वादिष्ट है, और दे ऊपर वाले। माफ करना दोस्त, और आम चाहिए तो दे दूं। ओपनिंग बैट्समैन। लगभग सारे खिलाड़ी मिल गए हैं, पर हमें विकेटकीपर कैसे मिलेगा? विकेटकीपर को छोड़ो, मुझे तो बहुत भूख लगी है। अरे मैं दोस्त लगाता सचिन, किस किस को भूख लगती, मैं खिलाता वांगो वांगो। जो वेंकी की दोस्त होती वो मेरी भी दोस्त होती। सच में? तो वेंकी मेरा बेस्ट फ्रेंड है। फ्रेंड में आ गया। मैं भी। तुम लोग एकदम राइट टाइम पे आया, गरम गरम सांभर चावल अभी बनता। विकेट कीपर भी हमें मिल गया। तो ये है आपकी क्रिकेट की टीम है? तो आप इन बंदरों को लेकर भाग लेंगे चैंपियनशिप में? देखिए मिस्टर सिंह, आप ट्रॉफी जीतने की बात तो भूल जाइए, आप खामखा अपना समय जाया कर रहे हैं, क्योंकि ये बच्चे तो शैतान हैं। सही कहा, आपने बिल्कुल सही पहचाना। मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लगा सर कि आप अपने स्कूल के बारे में और उसके बच्चों के बारे में इतना ऊंचा सोचते हैं। नहीं वो तो मेरा फर्ज, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने इस चैंपियनशिप का बीड़ा उठाया है और मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि यही खोटे सिक्के आपके स्कूल को ट्रॉफी जिताएंगे।
अच्छा ये बात है, पर ये काम खुदकुशी से कम नहीं है। आपकी राय के लिए शुक्रिया सर।